बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रूना। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का संबोसा, जो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। स्पेशली इफ्तार में आप अपने घर वालों को बना के खिलाएं, इंशाल्लाह वो आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह पाएंगे। तो इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बाउल में हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 4 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे व्यूअर्स, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसको। अब हाथ में इस तरह पकड़ के देखिएगा, अगर इस तरह शेप बन जाता है तो मैदा हमारा तैयार है। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप इसको गूंदना शुरू करें। व्यूअर्स, समोसों की जो हम डो बनाएंगे वो थोड़ी हार्ड बनेगी, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं बनेगी। जब डो हमारी तैयार हो जाए, आप चेक कीजिएगा, बिल्कुल इस तरह हार्ड बननी चाहिए। अब 15 से 20 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। अब एक पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1 कप चिकन का कीमा ऐड करेंगे। व्यूअर्स, हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे इसको। जैसे ही कलर चेंज होगा, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून हम इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड करेंगे। आपको जिस ब्रांड का पसंद हो आप वो यूज़ कीजिएगा। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे व्यूअर्स। ये फिलिंग 5 से 6 मिनट में रेडी हो जाती है। अब इसमें हम हरी मिर्च कट करके ऐड करेंगे। मेरे पास जो हरी मिर्च थी उसका कलर चेंज हो गया था, आप चाहें तो ग्रीन वाली ऐड कर लीजिएगा। 4 टेबल स्पून बारीक कटी हुई मैंने इसमें बंद गोभी ऐड की थी, 4 टेबल स्पून शिमला मिर्च ऐड की थी मैंने। नमक आप अपने टेस्ट मुताबिक रखिएगा, चिकन टिक्का मसाला में नमक ऑलरेडी होता है। अब 4 टेबल स्पून हम इसमें केचप ऐड करेंगे लास्ट में, 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे। व्यूअर्स, ये पूरी फिलिंग आप मीडियम फ्लेम पर ही बनाइएगा। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। चिकन टिक्का समोसा की फिलिंग तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स, ये बहुत मज़े की बनती है। आप चाहें तो समोसे, रोल्स और पैटिस वगैरह सब में ये यूज़ कर सकते हैं। आप सैंडविच भी इसके अच्छे बना सकते हैं। अब डो हमारी रेडी हो चुकी है। डो को हम फिर से सेट करेंगे थोड़ा। अब इसका हम एक रोल बना लेंगे। अब इसके हम पेड़े कट कर लेंगे, ताकि हम जो भी समोसे बनाएं वो बिल्कुल सेम साइज़ के बने। अब रोटी की तरह इसको हम बेल लेंगे। अब किसी भी कटर की मदद से या किसी बर्नी के ढक्कन की मदद से आप इसकी रोटी बना लें। व्यूअर्स, इस तरह करने से आपके जो भी समोसे हैं वो बिल्कुल सेम साइज़ के बनेंगे और एक प्रोफेशनल टच आता है उसमें। अब जैसे ही सारी रोटियां आपकी ये तैयार हो जाएं, अब साइडों से आप इसको पानी लगा लें फिंगर की मदद से। अब इसमें आप फिलिंग ऐड कीजिए बीच में। यहाँ आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। मैंने चिकन टिक्का समोसा को इस तरह शेप दे दिया था। आप जो चाहें शेप बना सकते हैं।
व्यूअर्स, ये सारे समोसे अच्छे से तैयार हो गए हैं, अब फ्राई करेंगे हम। अब एक कढ़ाई में हम ऑयल ऐड करेंगे मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ हमने इसमें समोसे ऐड कर दिए। व्यूअर्स, कम से कम आप 3 से 4 मिनट इनको कुक ज़रूर कीजिएगा ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे। आप मीडियम फ्लेम पे इनको कुक कीजिएगा। जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि चिकन टिक्का समोसा हमारे रेडी हो चुके हैं। अब एक छन्नी की मदद से हम इनको निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? मैं एक समोसा आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि इसकी फीलिंग बहुत खूबसूरत लग रही है, और यकीन करें आप, ये खाने में भी बहुत ही मज़े के थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।